कालका बिंजोर शहर में स्थित पांडवकालीन बावड़ियों की हो रही दुर्दशा को लेकर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रेस से वार्तालाप करते हुए शहर के नगर निगम पार्षद सतेंद्र टोनी और कृष्ण लांबा ने बताया कि यह शहर का नाम पांडवों के समय से ही पड़ा हुआ है और पांडवों के अज्ञातवास के अंतिम समय उन्होंने इस शहर में बावड़ियाँ बनवाई थी, जिनकी किसी समय संख्या 365 हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ चलते चलते अब यह बावड़ियाँ शहर से लुप्त हो गई हैं। इन आज भी शहर में बची कुची बावड़ियों की दुर्दशा दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। प्रशासन केवल स्वच्छता के नाम पर लीपा पोती करता ही दिखाई देता है। अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो शहर से कोसों दूर पांडवकालीन बावड़ियों में आसपास के लोग किसी समय जब अपनी प्यास बुझाते थे, वहीं आज वह बावड़ियां अपनी दुर्दशा पर रो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने शहर की गिशान कहलाए जाने वाले इन बावड़ियों की उचित देखरेख के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। हाँ जी, ये क्या जो बोरियां गंदी हैं जी, ये पांडवों के टाइम की बावड़ी है, 365 बावड़ी थी। ये ऐतिहासिक शहर है पिंजौर, इसके अंदर तकरीबन 3 या 4-5 बॉडी रह गई। हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि इन बॉडियों को बचाव कर रखे। आप देखो कैसे मच्छियां मर रही हैं। पहले पूरे इलाके के लोग गर्मी के अंदर कालका पिंजौर 20 गांवों के बंदे यहाँ नहाने आते थे और पानी जाता था गांवों को लगता था घराट चलते थे इससे, लेकिन अब सारा कुछ बंद हो गया। अब ये लोकल भी नहीं नहा रहे, बच्चों को बड़ी परेशानी हो रही है इसकी। हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि इसकी और ध्यान दिया जाए। पानी सड़ रहा है, इसके बारे में हम बुधवार को एक धरना देने जा रहे हैं। अगर सरकार ने हमें हमारी ना सुनी, हम और इस एजुकेशन को तेज करें। कालका से तहलका एयरलाइंस के लिए ललित कुमांड्रीमान की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है तहलका हेडलाइन न्यूज और आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। हमारी मेल आईडी है telkaheadlines.in@gmail.com। अब आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइक कर सकते हैं।